गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज फिर से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है अनु। पहले से तो बेटर है, बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बट स्टिल इट्स मच मच बेटर देन अर्लियर। नाउ ही इज स्लीपिंग लाइक दिस। सुबह से उसको काफी पेन था और जीजू, मतलब जिन्होंने अनु का ट्रीटमेंट किया था, जीजू ने फिर से अनु को कॉल किया और पूरा वीडियो कॉल पे एक चीज कराई है, मतलब पूरा गार्गल्स वगैरह और शेक वगैरह सब कुछ एवरीथिंग वीडियो कॉल पे कराया। बट नाउ ही इज फीलिंग बेटर, थोड़ा सा बेटर ही मतलब वो फील कर रहा है। आज मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे है तो मैं अपने घर जाऊंगी ऑफिस के बाद। अभी तो मेरा ऑफिस ही चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मेरा ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं घर जाने वाली हूँ। मेरी छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है और उसके लिए कोई गिफ्ट तो मैं ऐसा परचेज नहीं कर पाई, जस्ट मैंने उसको ऐसे ही मतलब बोल दिया कि तू अपने लिए कुछ ले ले, आई विल गिव यू द मनी, जो भी तू परचेज करेगी अपनी तरफ से। वैसे भी उसकी चॉइस थोड़ी अलग है, वो मतलब अपनी पसंद से ही खरीदती है कपड़े वगैरह। अब थोड़ी देर बाद जाऊंगी घर, देखती हूँ घर पे क्या चल रहा है, क्या क्या पार्टी वार्टी कर रहे हैं वो लोग। मेरा प्लान था कि मैं मतलब लंच वाले ब्रेक में जाऊंगी, फिर वहीं से अपना काम कर लूंगी, बट बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था आज, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कंटिन्यू मेरा ऑफिस का काम चल रहा था बिल्कुल भी, इवन तो मैंने लंच ब्रेक भी नहीं लिया है, काम बहुत ज्यादा था, तो इस चक्कर में मैं नहीं जा पाई। अब मैं 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो मैं 6 बजे में शिफ्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। सो गाइस, अनु से ना बोला नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा, तो वो वीडियो में भी पार्ट नहीं ले पा रहा है इसीलिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज मैं मतलब अनु तो वीडियो में नहीं आ सकता, कल मैंने उसकी तबियत खराब की वजह से प्रैंक किया, तो आज प्रैंक नहीं, आज एक काम करते हैं, आज मम्मी को ना जाके थोड़ा परेशान करते हैं। बहुत टाइम हो गया मम्मी को कोई प्रैंक भी नहीं किया, परेशान भी नहीं किया, तो नीचे जाती हूँ, मैं उनको पता भी नहीं, उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, बट ऐसे जाऊंगी मैं नॉर्मली। मम्मी को कुछ बोलूंगा, मैं आपको जादू करने वाली हूँ, मैं उन पर करने वाली हूँ टिकलिंग प्रैंक। मैं बहुत टाइम सोच रही थी क्योंकि मम्मी इतना लाउड हंसती है, इतना लाउड हंसती है कि आप लोगों को देख के ना मजा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं नीचे, मम्मी को परेशान करते हैं और मम्मी को बहुत परेशान करूंगी मैं, बहुत टाइम हो गया। चलो मम्मी, मम्मी मॉमी, कोमल कोमल, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। कोमल देखते हैं कौन आता है गेट खुलने। मम्मी खोलो, सॉरी थी आप कोमल का है, आओ मम्मी मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, आ जाओ, बहुत अच्छा जादू है मेरे पास। क्या जादू लाइए? कोमल तो सॉरी है। चलो यहाँ पे हम करेंगे जादू, उठाना कोमल को। गाइस देखो मैंने मम्मी को लिटा दिया है क्योंकि यहाँ पे जादू शुरू होने वाला है। पहले मैं मम्मी को उस वाले रूम में लेके जा रही थी जादू करने के लिए, लेकिन यहाँ से मुझे लगा मम्मी कहना चाहे इसलिए। तो दो चुन्नी चाहिए इस जादू के लिए मुझे, एक और निकालो कोमल। ठीक है चलो, दो चुन्नी मिल चुकी है। अब कोमल को मैं कर देती हूँ ये कैमरा हैंड को, कोमल पकड़ के कैमरा रिकॉर्ड करेगी। कोमल यहाँ से रिकॉर्ड करियो, इस जगह से, ठीक है? पूरा आना चाहिए ऐसे यहाँ से, ठीक है? पूरे आ रहे ना दोनों, लाऊंगी ऐसे। जादू आपने कभी नहीं देखा होगा, कोमल मुझे भी लेती रही साथ साथ, ठीक है? मैं कोमल को सिखा रही हूँ हाउ टू हैंडल कैमरा। पता मत बना रही है, कोमल देखती रही है। मम्मी उठा पैर उठाओ ना, अरे तो बात है कि और पर कर तो अगर भैया मैं लौंडे के लिए बुला कर अभी देखो। अरे तुम्हें कहोगे इतना बढ़िया जादू, ये पहले मैंने अनु से तो सीखा जादू, हाथ दिखाओ वो आगे भाई खुलेगा तो नहीं, टाइट है ना एकदम, ठीक है। सो अब तुम आराम से अपने हाथ जहाँ कंफर्टेबल लगे वहां रख सकते हो, ऐसे मम्मी का पेट इतना मोटा हो गया कि मम्मी आपको कहा होती है उसके कुछ भी नहीं।
चलो ठीक है बैठ जाओ सारे मजाक उठ रहे थे मेरा बैठ जाओ मेरे बीच बैठ जाओ ना लाओ मसाज कर चलो अब नहीं पक्का फिर कुछ करेंगे नहीं करूंगी ले मम्मी हमने चुन्नी बोल दी बहुत जल्दी मैंने यार दोस्तों मैं मम्मी की ना बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांध पाई चुन्नी मम्मी ने चुन्नी हाथ खोल दी पता है मेरी कितनी गंदी हालत कर दी थी अन्नू ने वो बांधा था जो जिम वाला होता है ना वर्कआउट वाला वो बांध दिया मेरे हाथों में मम्मी से खुल भी नहीं रहा था कोमल करवाना चाहिए जादू कोमल तो पहले डरी नहीं कह रही नहीं कैसा लगा बढ़िया मजा आया कर दी मेरे मम पापा की कर दो आप भाई तो कैसा लगा मेरा मजाक बढ़िया था गाइस था तो ये बहुत ही छोटा था क्योंकि मैंने बहुत टाइट नहीं बांध पाई थी मम्मी के हाथों पे चुन्नी मम्मी ने एकदम खोल दी बट जब अन्नू ने मेरे पे किया था ना ये वाला प्रैंक बहुत ही खतरनाक था ये और मतलब इतना ज्यादा हो गया था लिटरली खुल भी नहीं रहा था मुझसे तो हाथ बट मम्मी ने खोल लिया बट कोई नहीं मजा आया कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा आज की वाला ब्लॉग क्योंकि ब्लॉग थोड़ा छोटा है और आई ट्राइड माई बेस्ट किया कुछ ना कुछ तो जाना ही है और अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है वो बोल नहीं पा रहा है बहुत ज्यादा इसीलिए वो वीडियो में भी नहीं है आज की हो सकता है एक दो दिन में ही विल फील बेटर तो फिर वो उसको ना बोलते हुए ना ऐसा हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा टंग जैसे बीच में आ रही है ना बोलते हुए आती तो है ही ऑब्वियसली बात है टंग तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में सो कमेंट करना लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को और आज लाइव स्ट्रीम शायद होगी या नहीं होगी मे भी हो सकता है आज मैं लाइव आऊँ केक कटिंग करने के लिए और तो लाइक कर देना जल्दी से सब्सक्राइब कर देना डायना द बीच पे नया ब्लॉग आया आज जाके चेकआउट कर लो गाइस बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय।